हाय गाइस, आइए माई दाली बात कर रहे थे थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं उनका रिलेटेड दो थ्योरी थी। एक थी रेजोनेंस थ्योरी या फिर क्यूनॉइड थ्योरी, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने डिस्कस करनी है ऑस्टवाल्ड थ्योरी। ऑस्टवाल्ड थ्योरी के मुताबिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स के मुतालिक थ्योरीज थी और हमने दो थ्योरीज का जिक्र किया था। एक थे हमारे पास ऑस्टवाल्ड थ्योरी और सेकंड क्यूनॉइड थ्योरी, और इसको हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हमने डिस्कस करनी है वो ऑस्टवाल्ड थ्योरी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ऑस्टवाल्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि ऑस्टवाल्ड थ्योरी के मुताबिक एसिड बेस इंडिकेटर कौन से चीज है। ऑस्टवाल्ड थ्योरी स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी को। अच्छा, ये सबसे पहले दी थी W. ऑस्टवाल्ड, साइंटिस्ट ने ये वाली थ्योरी प्रपोज की थी। W. ऑस्टवाल्ड प्रपोज्ड दिस थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले साइंसदान देने वाला था वो W. ऑस्टवाल्ड था। इसने सारी की सारी बेस रखी थी आयोनाइजेशन पर, कि जो भी इंडिकेटर है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर जो टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं वो आयोनाइज जब होते हैं तो डिफरेंट कलर देते हैं, जब अनआयोनाइज होते हैं तो डिफरेंट कलर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, उसने एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कही, वो ये थी कि जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर है वो सारे के सारे या तो वीक एसिड है या वीक बेस है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी इस थ्योरी के हवाले से। क्या बात थी? ऑल द एसिड बेस इंडिकेटर्स आर एसिड बेस इंडिकेटर्स, जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं आर वीक एसिड, या तो वो कमजोर एसिड है वीक एसिड और वीक बेस, या तो वो इंडिकेटर वीक एसिड है या फिर वीक बेस। ये बात याद रखिएगा। अब इस थ्योरी के मुताबिक था क्या, स्टेटमेंट लिखते हैं इस थ्योरी की, क्योंकि जो भी थ्योरी या लॉ होता है उसकी स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती। ये बात आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है। स्टेटमेंट थी कि ऑल द एसिड बेस इंडिकेटर, ऑल द एसिड बेस इंडिकेटर हैव टू कलर्स। कहते जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर है वो दो तरह के रंग जाहिर करते हैं। वो दो तरह के रंग किस चीज पर या किस की बेस पर जाहिर करते हैं, वो था आयोनाइजेशन या फिर अनआयोनाइजेशन। टू कलर्स, वन कलर इन आयोनाइज्ड फॉर्म, एंड अनदर कलर इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये थी उसकी थ्योरी की स्टेटमेंट कि जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर वो दो तरह के कलर शो करते हैं, एक आयोनाइज्ड फॉर्म में शो करेंगे, एक अनआयोनाइज्ड फॉर्म में शो करेंगे। अब मैं सपोज करता हूं मेरे पास ना एक इंडिकेटर है, सपोज किया कोई भी हो सकता है, HIN, यह है इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यह है इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यानी अभी आयोनाइज्ड नहीं हुआ। इस यहां पे एक कलर शो करेगा कलर वन, और जैसे हम इसको किसी भी टाइट्रेशन में डालते हैं
तो ये क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, एच पॉजिटिव बन जाएगा और इंडिकेटर यहां से लेस हो जाएगा, और इस फॉर्म को कहते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म, आयोनाइज्ड फॉर्म। और यहां पे सेकंड कलर शो करेगा, सेकंड कलर। अगर मैं बात करूं फिनोफ्थलिन की, फिनोफ्थलिन में भी यही केस हो रहा होता है, फिनोफ्थलिन में भी ये काम हो जाता है कि वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एक कलर रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, दूसरी आयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट तरह कलर रिप्रेजेंट करता है। फिर इसी की एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये थी कॉमन सी, एक जनरल एग्जाम्पल हम प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल फिनोफ्थलिन की लेते हैं, यही हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर फिनोफ्थलिन था ये। अब फिनोफ्थलिन को कहते हैं, सपोज किया ये इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एच पी एच, पी एच फिनोफ्थलिन या आई एन से भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने एक सपोज कर लिया एच पी एच फिनोफ्थलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच उसके अंदर जो एसिड आयन है, ये याद रखिए जो फिनोफ्थलिन है ये वीक एसिड, फिनोफ्थलिन हमारे पास क्या होती है वीक एसिड है, इसलिए हमने यहां पे एच पॉजिटिव लिखा। अब जब ये आयोनाइज होती है तो हमारे पास ये वाली चीजें बनती है, एच पॉजिटिव आयन बनेगा और साथ में पी एच फिनोफ्थलिन नेगेटिव बन जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये जब अनआयोनाइज फॉर्म में होता है, ये है हमारे पास अनआयोनाइज फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, यहां पे एक कलर शो करेगा जबकि आयोनाइज्ड फॉर्म में दूसरा कलर शो करेगा, आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड फॉर्म में दूसरा कलर शो करेगा। अब आपको बताया कि फिनोफ्थलिन एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं शो करता, यानी कि नो कलर, कलरलेस होता है, जबकि बेसिक मीडियम में यही फिनोफ्थलिन पिंक कलर शो कर रहा होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर शो कर रहा होता है, ये वाला आयोनाइज्ड फॉर्म में ये पिंक कलर शो करेगा जबकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कलरलेस होगा, कलरलेस। अच्छा, आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, यहां पर दो चीजें मैंने लगानी है, इसकी अगर के की वैल्यू लिखू ना तो ये हमारे पास के की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका अच्छे तरीके से पता है, प्रोडक्ट को उठा के ऊपर लिख देना है, रिएक्टेंट को नीचे लिख देना है, जब प्रोडक्ट को उठा के एच पॉजिटिव लिखूंगा ऊपर और पी एच नेगेटिव लिखूंगा और नीचे हमारे पास एच पी एच सिंपल आ जाएगा, ये मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख दिया ऊपर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक हमने लीस्ट एरिया प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, या फिर हम यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, लीस्ट एरिया प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यही इंडिकेटर हो एसिडिक सॉल्यूशन में, बाद में कहूंगा पहले एसिडिक सॉल्यूशन में, सपोज ये इंडिकेटर हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, सपोज इन एसिडिक सॉल्यूशन इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, इन एसिडिक एसिडिक सॉल्यूशन। अब आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन में ना एच पॉजिटिव आयन तो होंगे होंगे, उसे एसिडिक होता ही इसी वजह से एच पॉजिटिव आयन एक्सेस में होंगे। अच्छा, जब चीज एक्सेस में हो एच पॉजिटिव आयन, तो यहां से इक्वेशन पर गौर करें, ये वाली चीज ज्यादा नहीं हो जाएगी प्रोडक्ट वाली साइड पे, वो लीस्ट एरिया प्रिंसिपल यही कहता है, अगर कोई चीज प्रोडक्ट वाली साइड पे ज्यादा हो रही है तो एक जो हमारे पास एक इक्वेशन है वो बैक की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा। ये था लीस्ट एरिया प्रिंसिपल कि अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज ज्यादा हो तो पीछे की तरफ रिएक्शन जाना शुरू कर देगा, जब पीछे की तरफ जाएगा तो हमें पता है ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म होती है और एसिडिक मीडियम में इसका कलर कोई भी नहीं होता। अब एच पॉजिटिव एक्सेस होंगे, जब एक्सेस होंगे तो नेक्स्ट काम क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के मुताबिक क्या होता है कि जब कॉमन आयन पैदा हो जाते हैं तो वही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये रिएक्शन मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, मूव बैकवर्ड डायरेक्शन, ये पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा और मूव करने के बाद हमारे पास ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा, अनआयोनाइज्ड
फोम में आ जाएगा, और आयन आयोनाइज फोम का कलर हमारे पास कोई नहीं होता, कलर लेस होता है। ये है सारी की सारी थ्योरी फिनोफ्थलीन के हवाले से, कि इस थ्योरी ने फिनोफ्थलीन को किस तरह एक्सप्लेन किया। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं, मैं कहता हूं यही चीज हम लेते हैं इन बेसिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर बेसिक सॉल्यूशन की बात की जाए, अब उस सॉल्यूशन में एक चीज लाजमी ज्यादा होगी, OH नेगेटिव आए, OH नेगेटिव क्या होंगे, एक्सेस में होंगे, EXCE एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव। अब देखिए जैसे मैं इंडिकेटर डालता हूं, इंडिकेटर डालने के बाद कुछ कुछ हद तक आयनाइज होगा और ये हमारे पास H पॉजिटिव बनाता है। अब H पॉजिटिव इंडिकेटर का और OH नेगेटिव सॉल्यूशन के आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब आपको पता है ये वाली चीज ऐसा ऐसा प्रोडक्ट वाली साइड पे कम होती जा रही है, बेस के केस में, बेसिक सॉल्यूशन के केस में जब ये वाली चीज ऐसा ऐसा कम होगी तो प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और जैसे प्रोडक्ट वाली साइड पे कंसंट्रेशन कम होती है तो रिएक्शन आगे की तरफ चला जाएगा, यही अनआयनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि ये क्या होगा, रिएक्शन मूव इस तरह केस में, रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव करेगा तो हमारे पास ये सारे का सारा जो अनआयोनाइज फॉर्म में इंडिकेटर था आयोनाइज फॉर्म में चला जाएगा। यहां पे क्या होगा, आयोनाइज फॉर्म, आयोनाइज फॉर्म, और जो आयोनाइज फॉर्म होती है वो हमारे पास पिंक कलर शो करती है, पिंक कलर। ये था इंडिकेटर के हवाले से कि ऑक्सफोर्ड ने इंडिकेटर को किस तरह एक्सप्लेन किया। सिंपल सी बात याद रखिएगा ये कि कोई भी इंडिकेटर दो तरह का कलर शो कर रहा होता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन में शो करता है, एक बेसिक सॉल्यूशन में शो करता है। और मजे की बात यह काम इसको हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करके इसकी पीएच भी मालूम कर सकते हैं, हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करके किसी भी इंडिकेटर की पीएच मालूम कर सकते हैं तो वो किस पीएच पे कलर चेंज हो करता है। फिर स्टार्ट करते हैं इसको ऑक्सफोर्ड थ्योरी के मुताबिक हम पीएच मालूम करने लगे। चलिए ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, ये चले मैं सपोज अ जनरल इंडिकेटर, सपोज अ जनरल इंडिकेटर, हमारे पास एक जनरल इंडिकेटर है, हमने ये नहीं रिप्रेजेंट किया वो मिथाइल और ये मिथाइल डेफिनोफ्थलीन, हमने एक जनरल नाम देंगे। हमारे पास जनरल इंडिकेटर ये वाला है HIN, HIN रिप्रेजेंट करता है इंडिकेटर है जो कि एसिडिक है। अब हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन में चेंज होगा और इंडिकेटर नेगेटिव में चेंज होगा, सही हो गया। इसके लिए मेरे K की वैल्यू लिखनी है, K की वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट को ऊपर लिख लें, रिएक्टेंट आपने नीचे लिख लेना, ये आ गए हमारे पास रिएक्टेंट। अब करना क्या है कि मैं यहां से पीएच मालूम करना चाहता हूं, पीएच मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहला काम ये करना है कि हाइड्रोजन आयन को इसको अलग करना है, यहां से एक साइड पे ले आए, बाकी सारी चीजें आपने उठा के एक साइड पे ले आए, और यहां पे के ए लिख लें क्योंकि एसिड का हवाले से केमिकल इक्विलिब्रियम लिख लें, इसे हमने के ए लिख दिया, और ये ऊपर एच आई एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वीक एसिड है। अब मैंने क्या किया, इस चीज को एच पॉजिटिव को एक साइड पे ले आया, बाकी सारी चीजें एक साइड पे, के ए एच आई एन, और यहां पे अकेला आई एन आ जाएगा। क्या है, इसको उठा इस साइड पे ले गया हूं, इसके नीचे आ जाएगा। अब यहां पे लॉग ले लें, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर लॉग लेने से, यहां पे लॉग लेंगे तो हमारे पास लॉग हो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू लॉग ऑफ
इस पूरे को मैं इकट्ठा लिखूंगा के ए एच आई एन ओवर आई एन माइनस वन, ये आ गया और इस ब्रैकेट को फिर क्लोज कर। अब लोकल एक रूल होता है, अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों का लोग आपने लहरा करना होगा दरमियान में प्लस की अलावा लगा, दरमियान क्या करना है प्लस की अलावा लगा देनी। यही काम हम यहाँ पे करने लगे कि लोग मैं लहरा करने लगाऊ दूसरी साइड वाली राइट साइड वाली रकमों का, यहाँ पे लॉग ऑफ ए ए प्लस लॉग ऑफ एच आई एन ओवर आई एन नेगेटिव, ये दोनों का मोलर कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दू। अब मैंने दोनों इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई विद माइनस वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। ये हमारे पास बना है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आइन लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ एच आई एन ओवर आई एन नेगेटिव, और जहां पे वर्ड माइनस लॉग आ जाए वहां पे आप एक वर्ड सिंपल यूज कर सकते हैं पी, ये रिप्रेजेंट ही माइनस लॉग को कर रहा था, माइनस लॉग की जगह पे आप सिर्फ ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहा है यहां पे, यहां मैं क्या करूंगा पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग ऑफ एच आई एन ओवर आई एन माइनस वन। अगर आप इस साइन का पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आप क्या करें इन दोनों वैल्यूज को उल्टा दें, नीचे वाली को ऊपर ले जाए ऊपर वाली को नीचे ले, तो ये वाला साइन आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये आपके पास किसी भी इंडिकेटर की पीएच यहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। इसमें आपको चंद एक चीजें चाहिए कि इंडिकेटर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कितना है, ये रिप्रेजेंट कर अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में कितना है, और इसकी पीकेए की वैल्यू, पीकेए की वैल्यू हर एक एसिड या बेस जो कि वीक है उनकी हिस्ट्री में मौजूद है, वहां से आप पीकेए की वैल्यू उठाएंगे आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कितना इंडिकेटर है उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, जो वो वैल्यू आएगी जहां पे वो इंडिकेटर अपनी पीएच चेंज करना शुरू कर देता है। इसे आप कहते हैं इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की पीएच मालूम करने के लिए, इंडिकेटर को इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन वगैरह की किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए। ये थी ऑस्टवर्ड थ्योरी, वैसे बाय द वे ऑस्टवर्ड थ्योरी तो यहां तक कंप्लीट हो गई थी, दो ही बातें थी सिंपल सी कि आयोनाइज में एक कलर देता है अनआयोनाइज में दूसरा कलर देता है, बात खत्म कर दी। आगे थी कि अगर हमें पीएच निकालनी पड़ जाए किसी भी सॉल्यूशन की तो वो इंडिकेटर के थ्रू किस तरह निकाल सकते हैं, वो ये तरीका का है। आपको अगर इंडिकेटर का आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म पता हो और उसकी पीकेए की वैल्यू पता हो तो आप इजीली ये वैल्यूज पुट करके पीएच मालूम कर सकते हैं सॉल्यूशन की। यही था आज के लेक्चर में, और यहां तक हमारी ऑलमोस्ट एसिड बेस टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैक्सिमम अगर नेक्स्ट एक लेक्चर आया तो वो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज का रिलेटेड होगा, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला काम ये करें कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।